कक्षा 9 सामाजिक विज्ञान सेकेंड पार्ट यानी भूगोल। पहला पार्ट है भारत के आकार और स्थिति, जिसमें कल अति लघुत्तरी प्रश्न बता रहे थे, इसमें कुछ बाकी था जो आप बता रहे हैं। पहला प्रश्न है भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं, भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्या है, कौन कौन से देश जो है सटे हुए हैं इससे, इसी सीमा से। तो भारत के पश्चिम में अफगानिस्तान और पाकिस्तान, इसके बाद उत्तर में तिब्बत और भूटान, पूर्व में बांग्लादेश और म्यांमार या बर्मा, इसके बाद दक्षिण में श्रीलंका और मालदीव, ये है भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा। पहला प्रश्न हो गया। इसके बाद दूसरा प्रश्न है कि कन्याकुमारी तथा कश्मीर में दिन रात बराबर अवध के नहीं होते, यानी जितना बड़ा दिन होता है उतनी बड़ी रात नहीं, एक समान नहीं होते कन्याकुमारी और कश्मीर में। एक बात ध्यान रखिए, विषुवत रेखा के करीब जितने स्थान हैं सब पर दिन रात बराबर होते, क्योंकि यहां पर सूर्य की किरणें जो है सीधी पड़ती है, तो सीधी पड़ने के कारण यहां दिन और रात दोनों बराबर होते हैं। तो कन्याकुमारी जो है ये विषुवत रेखा के समीप है, तो इस कारण कन्याकुमारी में तो दिन रात दोनों बराबर होते हैं, लेकिन कश्मीर जो है ये 30 अंश उत्तरी अक्षांश पर पड़ता है जो विषुवत रेखा से बहुत दूर है, तो यहां दिन रात की अवध में समानता नहीं होती, दिन रात यहां बराबर अवध के नहीं होते। गर्मी में दिन लंबा और रात छोटी होती है, और शीत ऋतु में कश्मीर में रात लंबी होती है और दिन छोटा होता है। तो इस तरह से जो स्थान विषुवत रेखा से दूर होता है उसके दिन रात के अवध में घटबर होता है, दोनों बराबर नहीं होते, और जो स्थान विषुवत रेखा के करीब पड़ते हैं वहां दिन रात समान होते हैं। दूसरे प्रश्न का उत्तर हो गया। तीसरा है कि इंदिरा कुमारी क्या है अब, यह अब अस्तित्व में क्यों नहीं है। तो इंदिरा पॉइंट जो एक स्थान जो निकोबार द्वीप समूह में पड़ता है, यह भारत का दक्षिणतम बिंदु है, बिल्कुल दक्षिणी निकोबार द्वीप में स्थित है इंदिरा पॉइंट, और यह भारत का दक्षिणतम बिंदु है, और अब इसका अस्तित्व क्यों नहीं है। तो 2004 में जो बाढ़ आई थी, सुनामी, जो सुनामी आई थी तो सुनामी ने इसके अस्तित्व को ही मिटा दिया, अब यह स्थान जो है अस्तित्व में नहीं। तो इंदिरा पॉइंट जो है भारत का दक्षिणतम बिंदु है जो निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, और 2004 में आई सुनामी ने इसके अस्तित्व को मिटा दिया। इसका उत्तर हो गया। अब अंतिम है कि भारत का मानक या मुस्तर यानी देशांतर कौन सा है। तो भारत का मानक या मुस्तर यानी देशांतर 82.30 यानी 82.5 पूर्वी देशांतर, 82.30 पूर्वी देशांतर। यही जो है भारत का मानक देशांतर है। तो आज यही 4 प्रश्नों का उत्तर अभी बताया।
शेष जो है अगले दिन बताएंगे। धन्यवाद।